हमने कितनी बार अपनी रील्स में समझाया कि कंक्रीट वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चीजें ड्रामे हैं, क्योंकि आज से 25 से 30 साल पहले वाइब्रेटर्स नहीं हुआ करते थे और बिल्डिंग तब भी बना करती थी। फिर हमने सोचा क्यों ना बोलने के बजाय दिखाया जाए कि वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है। बस फिर क्या, हमने एक ग्लास का क्यूब बनाया और कॉन्क्रीट को इस तरीके से इसमें डाल लिया। यूँ समझ लीजिए कि ग्लास का क्यूब नहीं, एक कॉलम है। हम लोग अक्सर इस तरीके से कंक्रीट को सेट करने के लिए सरियों का या लकड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने इस्तेमाल के बावजूद कॉलम के अंदर में कंक्रीट सही तरीके से स्प्रेड नहीं हो रहा और साइड में गैप आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। यही कारण है कॉलम में फिनिशिंग ना आने का और साथ ही हनीकॉम्ब बनने का। अब देखिए वाइब्रेटर्स के इस्तेमाल के बाद में क्या असर आता है। जैसे ही वाइब्रेटर अंदर जाता है आप देखेंगे सारा एयर स्पेस गायब हो जाता है और कंक्रीट पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है। तो जिन लोगों को ये ड्रामे लगते हैं ये रील उन्हीं के लिए है, और ऐसे लोगों को ये रील शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।